चलो चलो भाई यही समय यही यही सब पाँच मिनट रखो भी रुका दूँ रख देना। पाँच मिनट रखो ना भैया, पाँच मिनट रख के रुक में रख देना। 5 मिनट बाद रख देना। तो वो कहा है, एक और निकालो, उसको भी हराओ ना। वो वाली भी है, ये गाड़ी पर अशोका बिरयानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अशोका बिरयानी बंद करो, 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 अशोक बिरयानी हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ, अशोक बिरयानी हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आके काम करो, काम करो, काम करो, हाथ में आके काम करो, काम करो, अशोक बिरयानी मुर्दाबाद, 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 जो इसमें जिस तरीके से पीटर अन्याय हुआ है, जबकि वो सुपरवाइजर के रूप में काम करता था, उसको गटर को साफ कराया जा रहा था, तो सबसे पहले तो जो अशोका बिरयानी के प्रबंधक है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग सबकी मांग है, साहू समाज की ओर से मांग है कि उचित रूप से इनका जो मुआवजा है उसको दिया जाए। जब तक मुआवजा की बात नहीं होगी, यहाँ के संचालक नहीं आएंगे, हमारे से बात नहीं होगी, तब तक हम लोग यही पे डटे रहेंगे। हम लोग की प्रमुख मांग है कि दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित के परिवार को मुआवजा दिया जाए। जी क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से हम लोग को पता चला है कि उसके हाथ पैर में खरोंच के निशान भी है, तो ये संदिग्ध मामला है, इसकी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो पीड़ित है उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो मांग कहीं ना कहीं उठ रही है, लेकिन यहाँ आके चलिए, आप नहीं दे रहे हैं मुआवजा राशि, कम से कम बात तो कर लीजिए। आपका ही स्टाफ था, किसी और का थोड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है ये। और मुझे अभी भी पता नहीं चला है कि यहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे वो सब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोग थे, बाहर के लोग थे। और पुलिस प्रशासन की भी जवाबदारी बनती है कि उनका वेरिफिकेशन किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो मृत्यु कह रहे हैं या फिर हत्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके शरीर में चोट के निशान नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आएगा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम लोग इसकी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सबसे पहले तो अशोका बिरयानी का जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो दोनों परिवार है, पटेल परिवार और साहू परिवार, उसको दिया जाए। जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक प्रबंधक यहाँ पे आकर बात नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। बिल्कुल देखिए, जब तक